नमस्कार दोस्तों, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। चलो हम आज टेस्ट सीरीज के मॉडल पेपर नंबर 9 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ टोटल लैंड एरिया व्हेयर डज इंडिया स्टैंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का जो स्थान है वो है 7th पोजिशन, और दोस्तों इसमें फर्स्ट पोजीशन पर रशिया आता है, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे पर यूनाइटेड अरब अमेरिका जो है यूएसए आता है, चौथे पे चाइना, पांचवें पे ब्राज़ील और छठवें पे ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 7th पोजीशन ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट अकबरनामा, अकबरनामा जो है किसने लिखा था, किसके द्वारा रचित किया गया था। तो दोस्तों, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ये 16th सेंचुरी का एक इस्लामिक ग्रंथ है, तो इसके साथ साथ आईने अकबरी भी लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपालीश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु इज डेडिकेटेड टू विच हिंदू गॉड, जो तमिलनाडु का कपालीश्वर टेम्पल है वो किस भगवान को समर्पित है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है भगवान शिव भगवान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट ए बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद इटसेल्फ इज नोन एज, कोई भी बैंक एक परसेंटेज जो है जो डिपॉजिट होता है उसका एक नगद आरक्षण के रूप में रखता है, उसको ये रखना कंपलसरी होता है एज पर पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये क्या परसेंटेज है। तो दोस्तों, ये है, इसको कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो, इसको कैश रिजर्व रेशियो या CRR के नाम से जाना जाता है, नगदी आरक्षित अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ विजया बैंक लोकेटेड, विजया बैंक का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों, इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के किस राज्य में बटुकम्मा फेस्टिवल का सेलिब्रेशन किया जाता है, मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये है ऑप्शन तेलंगाना स्टेट में ये महोत्सव मनाया जाता है, ये महिलाएं इसको मनाती हैं और इसको अमावस्या की तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक मनाया जाता है। इसका मतलब होता है दोस्तों, देवी माँ जिंदा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को किस तारीख को रिप्लेस किया था, किस दिन से प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग रखा गया। तो दोस्तों, यह है 2015 जो है इसमें होना चाहिए था, वेरी वेरी सॉरी, आप इसको 2015 समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा था, उसने कब जो है संविधान को, भारतीय संविधान को अपनाया था। तो दोस्तों, ये है 26 नवंबर 1949 को जो इन्होंने अपनाया था, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से अस्तित्व में आ गया था, जिसको हम रिपब्लिक डे के नाम से 26 जनवरी को हर साल दोस्तों मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवर इन आइसलैंड इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, सबसे बड़ा आबादी वाला नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट अमंग द 4 एंशियंट सिविलाइजेशन, जो पुरानी सिविलाइजेशंस हैं उनमें इन चारों में से कौन सी सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है। तो दोस्तों, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ करनाल इन 1739 वाज फॉर्ड 15, करनाल के अंदर जो 1739 में लड़ाई हुई थी वो किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो दोस्तों, ये था नादिर शाह एंड मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में लड़ा गया था। वेयर इज ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लोकेटेड, दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द नमक सत्याग्रह स्टार्टेड, नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 24 अप्रैल 1930
को डांडी नामक स्थान से महात्मा गांधी द्वारा नमक बनाकर नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट, पानीपत की तीसरी लड़ाई कौन से वर्ष में जो है लड़ी गई थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1761 में ये लड़ी गई थी। ये मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द बुक दास कैपिटल, दास कैपिटल बुक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों इसके लेखक हैं कार्ल मार्क्स। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड, एटम जो है अलग अलग परमाणु संख्या वाले हैं लेकिन उनका समान द्रव्यमान है, संख्या द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर सेम है तो उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको आइसोबार्स या समभारिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फंगाई, इसमें कौन सा एक है जो कवक का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है गोनिया लॉक्स। तो गोनिया लॉक्स जो है इसका, ये कवक नहीं होता, फंगाई नहीं होता, बाकी सारे फंगाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनली यूज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूट हाउ मैनी विटामिन्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दोस्तों जो बोला जाता है, विटामिन बी का एक बहुत बड़ा समूह है, इसके अंदर विटामिन बी 12, बी 6, बी 1, बी 2 इस तरह से होते हैं, तो ये इसमें टोटल कितने विटामिन होते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 8 विटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स थ्रू व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे के किस हिस्से से जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों ये है स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, सेल की जो एनर्जी करेंसी जिससे जो है उसको ऊर्जा मिलती है, तो उसकी ऊर्जा मुद्रा जो है किसे कहा जाता है। दोस्तों ये है ATP या एडनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये एडनोसिन ट्राईफॉस्फेट सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ CNG, CNG का फुल फॉर्म क्या है। तो CNG का फुल फॉर्म दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ लिक्विड पेपर, लिक्विड पेपर क्या है। तो दोस्तों लिक्विड पेपर जो है वो एक क्विक ड्राइंग पेपर है, जो पेपर कलर्ड फ्लूड होता है, जिसको कि प्रिंटिंग मटेरियल को करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोप एंड डिटर्जेंट रिड्यूस डैश ऑफ वाटर, सोप और डिटर्जेंट जो है पानी का क्या चीज़ जो है कम कर देते हैं। तो दोस्तों ये है पानी का सरफेस टेंशन कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच हॉर्स पावर इज कंसिडर्ड ए मैन पावर, एक जो है मनुष्य की जो ऊर्जा होती है तो वो कितने हॉर्स पावर के बराबर होती है। तो दोस्तों ये है 0.1, कहने का मतलब एक हॉर्स पावर में 10 मैन पावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश क्रिएट्स क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, इसमें से कौन सा है जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो दोस्तों हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये नॉर्मल गैसेज हैं, इनसे कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही इसका कारण है, तो ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्बोरिकल्चर इज रिलेटेड टू, अर्बोरिकल्चर किससे रिलेटेड है। दोस्तों अर्बोरिकल्चर जो होता है इसका मतलब ये होता है कि पौधे लगाना, तो ये वृक्षारोपण जिसको बोला जाता है, तो ये जो है रिलेटेड टू वुड प्लांटेशन, जो लकड़ी वाले जो पौधे होते हैं तो उनसे जो है ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक ब्रेक्स इज द एग्जांपल ऑफ, हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक ब्रेक यंत्र के क्या मतलब, इसमें कौन सा प्रयोग किया हुआ है, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो दोस्तों ये है पास्कल्स प्रिंसिपल, पास्कल का प्रिंसिपल दोस्तों प्रेशर का प्रिंसिपल है, इसी के ऊपर ये काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन यूवी रीजन ब्रिंग्स चेंजेज इन, यूवी रेंजर में जो लाइट का एब्जॉर्बेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब होती है, उसमें क्या चेंज होता है। तो दोस्तों इससे जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एटम की चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ बटर एंड घी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिक्स्ड मिल्क इज, एक जो है मिश्रित दूध है उसमें से मक्खन और घी निकाले जाने का प्रतिशत अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों ये है 6.9% बटर एंड 5.5% घी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉइज पॉल्यूशन कॉजेज, नॉइज पॉल्यूशन किसके कारण होता है, इससे क्या होता है। तो दोस्तों नॉइज पॉल्यूशन से जो है हाइपरटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 packets ऑफ उड़द दाल कंटेन 9/2 kg, 21/4 kg एंड 15/4 kg रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ टोटल क्वांटिटी ऑफ उड़द दाल। दोस्तों उड़द दाल के 3 packet को हैं
जिनकी मात्रा है 9.2 किलोग्राम का, 21/4 किलोग्राम और 15/4 किलोग्राम। तो इनको सबको जो है अगर एक जगह पे रखा जाए तो टोटल क्वांटिटी उड़द दाल की क्या होगी। तो दोस्तों इसको जो है पूरे को जोड़ेंगे तो 15/4 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मनी स्पेंट ऑन इंटीरियर्स ऑफ ए हाउस वाज 40% ऑफ इट्स वैल्यू। इफ द कॉस्ट ऑफ इंटीरियर्स वाज 16 लाख्स, द कॉस्ट ऑफ द हाउस इज। दोस्तों एक घर बनाने में जो टोटल पैसा खर्च हुआ है उसका जो है अंदर के जो काम किए गए घर के उसमें 40% खर्च हुआ है। तो अगर 40% की वैल्यू 16 लाख है तो टोटल खर्च कितना है, 100% कितना होगा। तो दोस्तों इसको जो है सिंपली अगर आप इसको फार्मूले से निकाल देंगे टोटल कॉस्ट निकल जाएगा 40 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी कोशियंट व्हेन 2143 डिवाइडेड बाई 38। दोस्तों 2143 को अगर 38 से डिवाइड किया जाए, विभाजित किया जाए तो उसका भागफल क्या होगा। तो दोस्तों ये भागफल 56 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेंडर सोल्ड ए डोजन बनानास एट ₹48 एंड मेड 20% प्रॉफिट। इफ ही हैड सोल्ड देम फॉर ₹60 पर डोजन देन ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ। दोस्तों एक विक्रेता है जो कि केला बेचता है और 48 रुपीज़ में बेचता है तो उसको 20% प्रॉफिट मिलता है। अगर वो 60 रुपये प्रति दर्जन अगर बेचता है तो उसको टोटल कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये प्रॉफिट परसेंटेज 50% हो जाएगा, ऑप्शन सी है। इसको दोस्तों इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू जो सेलिंग प्राइस है इनटू 100 अपॉन 100 प्लस जो प्रॉफिट परसेंटेज है तो ये 40 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद नया सेलिंग प्राइस 60 रुपीज़ है तो 40 का 1.5 गुना हो गया, इसलिए 50% जो है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर ऑफर से डिस्काउंट ऑफ 28% ऑन मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम एंड दस एंड्स ऑफ सेलिंग एट कास्ट प्राइस। बाई व्हाट परसेंटेज इज द मार्क प्राइस ग्रेटर दैन द कास्ट प्राइस। दोस्तों मार्केट की जगह ये मार्क्ड है तो जो है दोस्तों वो ऑफर करता है डिस्काउंट मार्क प्राइस में तो फिर वो जो है सेलिंग प्राइस जो क्या हो जाता है कास्ट प्राइस के बराबर हो जाता है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कितनी ज़्यादा लिखी हुई है। तो दोस्तों जो है इसका सही जवाब है 38.88%। इसको दोस्तों निकालने का तरीका यही है कि क्योंकि दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बराबर हो गए तो बराबर जो है 72 हो गए, तो मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो 28%। तो इसको इस तरह से निकालेंगे तो दोस्तों जो है ये 38.88% निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए राइडर गोज ऑन ए ट्रिप ऑन हिज मोटरसाइकिल एंड राइड्स फॉर 536 किलोमीटर टू कवर हिज डिस्टेंस। इफ ही राइड्स फॉर 5 आवर्स एट 47 किलोमीटर आवर्स एंड एक्स आवर्स एट 43 किलोमीटर आवर्स देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। दोस्तों इसमें ये बोल रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल सवार है वो 536 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर वो 47 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे तक मोटरसाइकिल को चलाता है उसके बाद बाकी दूरी जो है वो 43 किलोमीटर प्रति घंटे में तय करता है यानी कि एक्स घंटे में तय करता है तो एक्स का क्या वैल्यू होगा। दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 7 आवर्स। दोस्तों एज पर क्वेश्चन दिया हुआ है 47 × 5 + 43 × x टोटल किलोमीटर है 536। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 7 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ ईयर एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल इज 19,800 and 21,384 रिस्पेक्टिवली देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों ये बताते हैं कि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाई जाती है, तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में जो पैसा मिलता है वो है 19,800 और 21,384। तो इसका इंटरेस्ट रेट ब्याज दर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 8%। इसको दोस्तों आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 का पावर n। तो इसके ऊपर दोस्तों सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आपको 8% आ जाएगी। सभी लोग अपनी कॉपी पे चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 189 एंड ए बी इज इक्वल टू 20 फाइंड ए प्लस बी। ए क्यू और बी क्यू की वैल्यू दी हुई है 189 और ए इंटू बी अगर करते हैं तो उसकी वैल्यू 20 है तो ए प्लस बी का वैल्यू ये ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें जो है ए जो है सही आंसर है, ए प्लस बी की वैल्यू 9 होगी और इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। जो फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का है वो अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3 ए बी ए प्लस बी
तो इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू इज्क्ल टू 189 है, उसकी वैल्यू रखेंगे और ए बी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ए प्लस बी का क्यू का वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद ए प्लस बी का वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन 2x माइनस 1 अपान एक्स इज्क्ल टू 7 टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेज। दोस्तों 2x माइनस 1 अपान एक्स है तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 7 है, तो इसमें जो है आपको इसकी वैल्यू जो है निकालनी है x की 2 डेसिमल प्लेसेज तक। तो दोस्तों इसको जो है अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखो 2x माइनस 1 अपान एक्स इज्क्ल टू 7 दिया है, 2x माइनस 1 इज्क्ल टू 7 इंटू एक्स हो जाएगा, 5x इज्क्ल टू माइनस 1 हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस 1 बाई 5, और इसको जब फ्रैक्शंस में करेंगे तो फिर 0.020 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 1144 एंड 13 रिस्पेक्टिवली एंड वन ऑफ द नंबर्स इज 104 देन फाइंड द अदर नंबर। तो दोस्तों जो है इसमें दूसरा नंबर 143 होगा ऑप्शन डी। इसमें सेकंड नंबर निकालने के लिए एलसीएम एचसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे फर्स्ट नंबर को तो सेकंड नंबर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 पर्सन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज, हाउ मेनी डेज विल 21 पर्सन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, 2 डेज लगेंगे। इसको करने का तरीका ये होगा, 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 21 इंटू डी है, तो डी का वैल्यू जो है 42/21 हो जाएगा और इसलिए 2 डेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ओड वन, यू एस बी पी सी यू डी ए डी आर टी ओ। इसके अंदर से जो है कौन सा ओड नंबर है वो निकालना है कि कौन सा असंगत है। तो दोस्तों इसमें सभी में स्वर जो है अंत पर दिए गए हैं, जबकि विकल्प सी के अंदर जो ये मध्य में दिया हुआ है, डायड का ए जो है इसके मिडिल में है, इसलिए विकल्प सी जो है सभी से अलग है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज़ फादर इन लॉ ऑफ बी हु इज़ मदर ऑफ सी, डी इज़ मदर ऑफ ई हु इज़ फादर ऑफ एफ एंड सी, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू ई। तो दोस्तों इसको आप पेपर के ऊपर अगर लिखेंगे तो आपका सही जवाब आना चाहिए ऑप्शन डी, फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक इन सीरीज 1BY 6FB 11JS 16NP। दोस्तों इसको अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक के बाद 6, 6 के बाद 11, 11 के बाद 16, तो 5-5 का गैप हो रहा है, तो नेक्स्ट 21 होना चाहिए। इसी तरह B के बाद F, तो CDEF 4 बढ़ रहा है, फिर F के बाद J हो रहा है 4 बढ़ रहा है, तो J के बाद N हो रहा है 4 बढ़ रहा है, तो N के बाद OPQR होना चाहिए, तो 21R हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट लेटर इसी तरह से निकालेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन बी, 21RM। तो दोस्तों यहीं पे ही अपनी आज की ये 9th सीरीज ख़त्म होती है, आपसे अगले सीरीज में सीरीज नंबर 10 में फिर मुलाकात होगी। दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि ये जितनी भी सीरीज हमने बनाई है बहुत मेहनत करके बनाई गई है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, तो आप लोग अच्छी तरह से अपनी तैयारी करें, मेहनत से पढ़ाई करें और कामयाब हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।